अब मुझे रिकॉर्ड करने की आदत पड़ गई अपने लेक्चरों को, ताकि जो बाद में बच्चे ज्वाइन हो वो थोड़ा सा परेशान कम हो। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा है एरर एनालिसिस। एरर की बातें, थ्योरी मैंने पिछली क्लास में बताई थी। एरर क्यों होती है, किस किस तरीके से एरर घुस सक किस किस तरीके से एरर एंटर कर सकती है, आपके मेजरमेंट में एरर घुस जाती है, और एरर मिनिमाइज की जा सकती है, जीरो नहीं की जा सकती। एक बात ध्यान रखिएगा, एरर कैन बी मिनिमाइज्ड पर कैन नॉट बी ब्रॉट टू जीरो। जैसे फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बारे में आपने सुना होगा, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी मिनिमाइज्ड पर कैन नॉट बी ब्रॉट टू जीरो, जीरो नहीं लाया जा सकता फ्रिक्शन। वैसे ही एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो लेकिन जीरो नहीं कर सकते हो। लेकिन एक साथ में एक और बात बताई थी, हमें कितनी एक्यूरेसी तक रिजल्ट चाहिए ये हम पे डिपेंड करता है। हम टाइम कितने मिनट कितने बज रहे हैं, तो आप ये नहीं बताओगे सर 5:39, 10 सेकंड और 5 मिली सेकंड, ये नहीं बताओगे सर 5:30 बज रहे हैं, लमसम इतना बोलोगे, यहाँ ये चल सकता है। आइए आगे बढ़ता हूं। ये सब बातें मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दी आपको, वो लेक्चर रिवाइज, उसमें शायद ऑडियो और बाउथ में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन मैनेज कर लेना, जो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने भेजी थी उसमें, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है शायद उसमें। चलिए, उन सभी एरर में आपको लीस्ट काउंट एरर को ढंग से समझना है, लीस्ट काउंट एरर को। और यदि वो एरर वाकई आपको समझ में आ गई, वाकई दिल और दिमाग दोनों से समझ में आ गई, तो आपको तो बहुत कुछ समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया होगा मेरा ये डायलॉग कि भगवान भी यदि इस धरती इस दुनिया में आ जाए तो उससे भी गलतियां होने वाली हैं। आइए, आज के बाद यदि मैंने आपसे कहा, अब आपकी लेवल बढ़ चुका है, गेम का लेवल बढ़ चुका है, आप पहले 10 में पढ़ते थे। यदि मैंने आपसे कहा कि बेटा अपने कमरे की लेंथ मेजर करो, ठीक है, तो जब आप 10th में थे तो आप करोगे सर लेंथ है इस कमरे की 8 मीटर। 10th का बच्चे इस टास्क को ऐसे एकम्प्लिश करेगा, ऐसे करेगा कि भैया इस कमरे की लेंथ 8 मीटर है, उसने मेजर किया। लेकिन आप 11th में आ गए हो तो पता है आपको क्या सिखाया जा रहा है, आपसे कहा इस कमरे की लेंथ मेजर करो, तो पता है अब आप लेंथ को कैसे रिपोर्ट करोगे। आपको फिजिक्स की ग्रामर पढ़ाई जा रही है, वो ये 10th का बच्चा कहेगा कि सर इस कमरे की लेंथ मैंने 8 मीटर मेजर करी। पर पता है आप जब आपको यदि ये टास्क दिया जाए कि इस कमरे की लेंथ मेजर करो, तो पता है आप क्या कहोगे, सर इस कमरे की लेंथ 8 मीटर ±0.1 मीटर। आपको ये आदत अब डालनी है, जो मैं डलवाऊंगा, मुझे अब आपको यही चीज सिखानी है। मतलब आपको ये तो बताना ही है कि लेंथ कितनी है, आपने 10th के बच्चे ने भी बताई लेंथ, आपने भी बताई लेंथ, पर अब आपको ये भी बतानी पड़ेगी कि मेरे इस मेजरमेंट में कुछ गलती हो सकती है, और वो गलती मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.1 मीटर होगी। मतलब मेरी जो लेंथ है ना 8 मीटर, वो एक्यूरेट नहीं है। पता है 10th का बच्चा क्या समझ रहा है अपने आप को, तुरंत कहां समझ रहा है, वो कह रहा है मैंने जो मेजर किया है वो परफेक्ट है। उसे क्या पता कि लीस्ट काउंट एरर भी कोई चीज होती है, या फलाना एरर, पर्सनल एरर, नेचुरल एरर। लेकिन अब आज के बाद जब भी आप एक मेजरमेंट लोगे, उसको मेजरमेंट का जो भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है, जो बेस्ट, वो तो लिखोगे, लेकिन साथ में आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि उस रिजल्ट में कितनी गलती हो सकती है। और इस प्लस माइनस का मतलब होता है कि हो सकता है ये रिजल्ट 0.1 मीटर ज्यादा आ जाए, 0.1 मीटर कम हो जाए। इसका मतलब जैसे जो आपकी लेंथ है वो 7.9 मीटर से लेके 8.1 मीटर से कुछ भी हो सकती है। मतलब आपकी जिम्मेदारी अब ये बढ़ गई है रिजल्ट को ऐसे नहीं ऐसे रिपोर्ट करने की। वो मैं बता दूंगा, इच्छा वो मेरे को, मेरा लेक्चर आप सुनो बेटा, समझ जाओगे, मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, मैं आपको यही तो सिखाऊंगा कि ये कैसे रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन यदि आप पहले पढ़ना सीखते हैं, यदि कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसको किस अंदाज में पढ़ना है, इस कोड के क्या मायने हैं। इसके मायने ये है कि लेंथ 8 मीटर नहीं है, एग्जैक्टली 8 मीटर नहीं है, उस 8 मीटर में कुछ गलती के गुंजाइश हो सकती है, और गलती 0.1 मीटर की हो सकती है, फ्लक्चुएशन 0.1 मीटर की हो सकती है, यानी 0.1 मीटर ऊपर भी हो सकता है रिजल्ट, और 0.1 मीटर नीचे भी हो सकता है। यानी जो वास्तविकता में जो लेंथ है, मतलब आपको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, ये रिजल्ट है। इसका मतलब तो ये कि हमने गलती करी नहीं, हम तो भगवान से भी ऊपर है। लेकिन सही तरीका ये होता है कि हमने रिजल्ट अपने स्टैंडर्ड से, अपनी पूरी कोशिशों से
अपनी पूरी ताकत झोंक के 8 मीटर मेजर किया है, लेकिन एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, मुझे एक मिनट दोगे बेटा? कोई नहीं, आवाज आ रही है ना, अभी बीच में थोड़ी आवाज म्यूट हुई थी। शाम मैं जनरली बेटा फोन को अपना एरोप्लेन मोड में लगा देता हूँ, आज भूल गया तो कॉल आई थी बीच में, चलिए हो सकता है सर। तो ध्यान रखना, तो जो लेंथ है इसका मतलब ये कि हम भगवान नहीं है, हमारे मेजरमेंट में गलती हो सकती है। जो लेंथ है वो 8 में से 0.1 घटा दीजिए और 8 में 0.1 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये काम आपको करना कैसे है? अच्छा एक मिनट और दिखाओ, गलती का एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। घर में जैसे सपोज करो शादी हो रही है, शादी हो रही है ना, दीदी की शादी है, सारी मेहनत लगी हुई है, कार्ड छप रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सबसे पहला काम पता है क्या होता है? जब शादी की तैयारी होती है, दावत की, सबसे पहले हलवाई बुक किया जाता है और उसको ये बताया जाता है कि तुझे, अच्छा केवल हलवाई बुक होगा, उसे ये नहीं बताया जाएगा कितने मेंबरों की शादी है। हम पहले अपना गणित लगाते हैं कि हमें कितने लोगों को बुलाना है। पापा बैठ के लिस्ट बना रहे होते हैं, पापा, ताऊ, दादाजी, सब, कि यार ये बुआ जी के यहाँ से सब है, ये हमारी फैमिली है, ये 4 लोग आएंगे यहाँ से, 4 लोग। अरे यार वो तो बड़ी भाईयत फैमिली है, वो सभी लोग दावत में खाने आ जाते हैं, इसको हम सब परिवार कार्ड नहीं देंगे, अकेला, ये भी अकेला ही तो देता है। सारी लिस्ट बनाई, बताइए आपने पूरी मेहनत से लिस्ट बनाई और सपोज करो लिस्ट बैठी 400 लोगों की, तो क्या हाल है ना 400 लोगों की? आपके बेस्ट एफर्ट से 400 लोगों की लिस्ट बैठी, आपको लगता है कि 400 लोग, तो क्या लगता है शादी में 400 लोग ही आएंगे? आप गारंटी ले रहे हो? आप ताल ठोक के कह रहे हो कि शादी में 400 लोग ही आएंगे? नहीं कह सकते कभी, लेकिन आप एक कोशिश तो करोगे। इसका मतलब ये नहीं, एक्यूरेट नहीं हो सकते तो कोशिश ही नहीं करें। हलवाई को एक आइडिया तो दोगे, हलवाई से, हलवाई कर दिया, हलवाई नहीं पूछेगा कितने लोगों का शादी बना का खाना बनाना है? नहीं नहीं, तू बना शादी का खाना, तू बना। अबे कमाल करता है हलवाई, कहेगा साला कल को कम पड़ गया खाना, तू मुझ में जूते मारेगा, नहीं तू खाना बना। आप लिस्ट बना के रखते हो, पता है फिर हलवाई से क्या कहते हो कि यार हमने बनाया तो यार 400 लोगों का खाना है, लेकिन कुछ लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो अब आप क्योंकि साइंस में एंटर कर चुके हो साथ में ये कि हमने 400 लोगों की लिस्ट बनाई है अपनी कोशिशों से, प्लस माइनस 50 लोग। इस प्लस माइनस 50 का क्या मतलब है कि भैया प्लस माइनस 50 लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो तू खाने को इस अंदाज में लेके चलियो, ज्यादा बिगड़े भी नहीं और कम भी ना पड़े। बोलो यही होता है या नहीं होता? बस आपको मैंने उसे लिखने का प्रॉपर तरीका बता दिया, फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं कि हमने 400 लोगों का आइडिया लगाया है, लेकिन इस प्लस माइनस 50 का क्या मतलब है? इस प्लस माइनस 50 का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल, ये है हमारा मेजरमेंट। सुनिए सब लोग, इसे एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू या ये इस तरीके के नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्या बोलते हैं इसको? ये जो सामने आ गया सॉरी, में मैक्सिमम पॉसिबल एरर। जैसे इसमें हमने रिजल्ट को किस तरीके से रिपोर्ट किया, हमने अपनी पूरी कोशिशों से 8 मीटर कोशिश की है, लेकिन कुछ पॉइंट मीटर का गलती का चांसेस है। तो चलिए आप तैयार हो बेटा? यहां तक समझ में आ गया है नहीं आ गया? मैं आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल पा रहा हूं ना, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि एरर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेजरमेंट ही ना करें। कितना टाइम हो रहा है बताना? आपने बताया 5:40 हो गया, क्या ये एग्जैक्ट टाइम यही हो रहा है क्या? सॉरी 5:47 हो रहा है, चलो तो क्या एग्जैक्ट टाइम ये है 5:47? कुछ सेकंड भी हो रहे थे, है ना, कुछ मिली सेकंड भी हो रहे होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपस की बोलचाल में टाइम बताए ही नहीं। सर इसमें तो गलती है, सर क्या बात कर रहे हो, 5:47 कहां हो रहे थे? 5:47:15 हो रहे थे, सर झूठ बोल रहे थे आप, ठीक है। इससे ज्यादा एक्यूरेट ये है, लेकिन ये भी अपने आप में परफेक्ट रिजल्ट नहीं है। चलिए ये सब बातें मैं कर चुका हूं, आइए आपको ये मैथमेटिक्स, ये इस मैथमेटिक्स को सिखाने जा रहा हूं। एरर की अपनी एक दुनिया है, एरर की अपनी एक एलजेब्रा है। आपने डायमेंशन में एक एलजेब्रा देखी थी, वहां कुछ चीजें अलग मिली नॉर्मल एलजेब्रा से। क्या मिली? कि लेंथ एल प्लस एल एल होता है। सीखा था या नहीं सीखा था? और मैंने ही सिखाया था, साइंस ने सिखाया कि भैया एल प्लस एल एल होता है, नहीं तो कुछ दिनों। और ये जो रूल है, ये जो रूल है सिर्फ डायमेंशन में चलता है, वरना डायमेंशन को जैसे ही आप छोड़ोगे एल प्लस एल 2L होता है। मैं भी यही पढ़ाऊंगा। ऐसे ही एरर एलजेब्रा एक अलग एलजेब्रा है, तो पहले तो दिमाग में बांध लेना कि एरर एक अलग एलजेब्रा है। तो चलिए, कल था टॉपिक एरर एनालिसिस, आज है एरर एलजेब्रा या मैथमेटिक्स ऑफ एरर, मैथ
मैथमेटिक ऑफ एरर। चलिए सबसे पहले गलती कैसे निकलती है, सबसे पहली चीज एरर इन मेजरमेंट। मैं खाली एरर लिख रहा हूं पर पूरा वर्ड होता है एरर इन मेजरमेंट। एरर निकलती है, एरर गलती, एरर माने गलती, एरर निकलती है इस फॉर्मूले से, बहुत सिंपल है, जानते हो आप, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। थोड़ी देर का 20 सेकंड का पॉज लीजिए और खुद पर विश्वास करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये मैंने क्या लिखा है। मैंने क्या लिखा, किसी मेजरमेंट में हमें कितनी एरर हुई है ये कैसे पता चलेगा, कितनी एरर हुई है ये पता चलेगा कि भैया वास्तविक जो वैल्यू है और आपने क्या मेजर किया है उनको घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी वैल्यू और उनकी वैल्यू में क्या डिफरेंस है। नहीं आया ना समझ में कि आ गया, एरर मींस एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जैसे सपोज करो इस रिमोट की लेंथ, अच्छा आपने रिमोट वाला काम किया था या नहीं किया था, लेंथ मेजर करने के लिए किया था या नहीं किया था, नहीं किया होगा, आई नो नहीं किया होगा, झूठ मत बोलिएगा। फिलहाल ये देखिए मैं क्या कह रहा था, अब इस रिमोट की लेंथ सपोज करो, रिमोट की देखो इच्छा ने अपना गुनाह कबूल किया है, ये उसकी ईमानदारी है, गुनाह तो आप सबने किया था। अच्छा शिवेश किया था तूने, अरे वाह शिवेश तो कह रहा है किया था, चलो वेरी गुड बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन किया। हाँ तो व्हाट आई एम सेइंग नाउ, यदि आपने इस रिमोट की लेंथ 15 सेंटीमीटर है पर आपने जब मेजर करी, आपने मेजर करी तो ये निकली 14.5 सेंटीमीटर। सपोज करो आपके मेजर में गलती होगी मान लो, तो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट, कि आपसे 0.5 सेंटीमीटर की गलती हो गई। बोलो अभी समझ में आया नहीं आया, एरर कैसे निकलेगी, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, सिंपल है, सोचना तो नहीं। लेकिन पता है इस फॉर्मूले में यदि थोड़ा सा एक साइंटिफिक अप्रोच लेके सुनो तो आपको इसमें एक झोल नजर आएगा, आपको इस फॉर्मूले में एक बदतमीजी नजर आएगी, ढूंढ सको तो इस फॉर्मूला यही यूज करना है, मैं भी यही सिखा रहा हूं, फिजिक्स भी यही सिखाएगी, पहले ही फॉर्मूला ये लिख दिया, लेकिन इस फॉर्मूले में एक बदतमीजी है, ढूंढ सको तो ढूंढो, जब तक मैं एसी अपनी और कर लेता हूं। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, हाँ बेटा नहीं मिली ना इस फॉर्मूले में बत्तीमीरी, मैं बताता हूं बत्तीमीरी, हाँ वेरी गुड, इच्छा को शाबाशी मिलेगी इच्छा, वेरी गुड गुड लक। कहते हैं ना जब ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाते हैं, इच्छा ने कोशिश की मेहनत की उसको पता चल गया, यही गलती है इसमें, बाकी ढूंढिए। वेरी गुड कविशा, वेरी गुड कविशा, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं कविशा, सही पकड़े हैं। और बेटा अब मुझे लग रहा है कि आप यदि सोचोगे जब इन दो लोगों ने पकड़ लिया तो आप क्या किसी से कम हो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड दिया। और बेटा जल्दी से बेटा तीनों लड़कियां कमाल, लड़कों के नाम कटवा रहे बेटा, नंदिनी वेरी गुड, यही बात है बेटा, शांभवी यार ये तो कमाल हो गया, आज तो लड़कों ने नाक कटवा दी, एक सिंगल बॉय का, एक सिंगल लड़के का रेस्पॉन्ड नहीं आया, लेकिन हाँ इन पांचों लड़कियों को शाबाशी जाती है मेरी तरफ से, बहुत बड़ी शाबाशी, सही पकड़ा है। और यही बेटा अप्रोच रखनी है साइंस पढ़ने की। चलिए मैं बताता हूं इन लोगों ने क्या ढूंढा, सच्चाई ये है कि मैंने फॉर्मूला तो बहुत से लिख दिया कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, लेकिन सच्चाई ये है इस दुनिया में एक्चुअल वैल्यू आपको पता चल ही नहीं सकती, एक्चुअल वैल्यू पता चल ही नहीं सकती। इसकी रिमोट की लेंथ एक्चुअल लेंथ कितनी है, कोई आकाशवाणी तो होगी नहीं कि इस रिमोट की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इस रिमोट की लेंथ कोई आकाशवाणी थोड़ी नहीं होगी, वो भी आप ही को मेजर करनी होगी। तो हमारे पास इस ब्रह्मांड में किसी की एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं, सब मेजर्ड वैल्यू है। तो फिर आपने ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्यों लिखा है, तो वह मैं बता दूंगा कि इसे यूज कैसे करना है। लेकिन सही पकड़ा है, कार्तिकेय ने भी बाद में आंसर दिया, सही पकड़ा है, मैं उसके आंसर को इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने बोलने से पहले उसने टाइप कर दिया था कि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास होती ही नहीं है। जब मैं पिछली क्लास को पढ़ा चुका हूं
एरर पा चुका हूं, ये डायलॉग बोल चुका हूं कि भगवान भी इस दुनिया में आ जाए तो गलती तो करेगा ही करेगा, तो फिर एक्चुअल वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना, तो फिर ये फॉर्मूला अनरियलिस्टिक हो गया। हाँ, इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं धीमे धीमे बता दूंगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। दूसरा, थोड़ी देर बाद आपको ये समझ में आने वाला है कि इस फॉर्मूले में यदि आप भूल गए यार पहले कौन था, एक्चुअल वैल्यू थी या मेजर वैल्यू थी, यार क्या था एक्चुअल, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। किसी में से किसी को घटा दो, फिजिक्स दोनों को सेम वेटेज देती है, वो भी एरर है। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, चाहे इसको पहले रख लो चाहे इसको पहले रख लो, किसी में से किसी को घटा दो। चलिए, लेकिन बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं अब यहाँ एक पैरल में मैं यहाँ फॉर्मूलों की लिस्ट लिखूंगा, लेकिन आपको जब पहला ही फॉर्मूला नहीं समझ में आया, अनरियलिस्टिक लगा, तो फिर आगे फॉर्मूला लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए एक एग्जाम्पल साथ के साथ ले रहा हूं। जैसे सपोज करो मैंने कोई लेंथ मेजर करी, कोई भी लेंथ मेजर करी, सपोज करो उस लेंथ का नाम है एक्स, ठीक, कोई भी लेंथ मेजर करी, एक बार मेजर करी तो 2 mm आई, एक बार मेजर करी तो 1 mm आई, और एक बार और मेजर करी तो 3 mm आई। बेटा इतनी गलती तो हो जाती है, mm बोला है मैंने, mm सोचो कितनी बारीक, कितना बारीक कैलकुलेशन होती है, ये जो स्केल होता है आप सोचिए स्केल कितना बारीक होता है mm, इतनी गलती तो हो जाती है सबसे। तो सपोज करो आपने कोई लेंथ मेजर करी, आपने कोई लेंथ मेजर करी, एक बार लेंथ मेजर हुई 2 mm, जैसे सपोज करो वो जो धागा है, मैंने उस दिन जुगाड़ बताई थी ना पिछली क्लास में कि इस धागे की, बताइए इस धागे की मोटाई निकाल सकते हो आप, और वो उस स्केल से जो आपके पास होता है, इस धागे की मोटाई विड्थ ये जो है ये निकाल सकते हो उस स्केल से जो आपके पास है। रिद्धि आप शायद पिछली क्लास में नहीं थे, रिद्धि बिल्कुल, अब शिवम आगे मत बढ़ो, रुको, मैंने जो पूछा है देखो मैं पूछ रहा हूँ कुछ और, आपका जवाब आ रहा है कुछ और, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतिया भी मारे हैं, ये क्या बात हुई। अब मैं इस मुद्दे पर आगे ना, उसको छोड़ो आप उस क्वेश्चन को, जी हाँ इसको रैप करके, तो जब आप रैप करोगे तो इतनी गलती आ सकती है, हो सकता है एक बार मेजरमेंट में 2 mm आए, एक 1 mm आए, इसका 3 mm आए। अब ये तीनों क्या चीजें हैं, ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, इसी वायर की थिकनेस की मेजर्ड वैल्यू है, या यूं कहिए तीन तीन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, चंपा शंपा रानो, तीन लोगों ने किया कि चंपा ने मेजर किया यार मैंने तो 2 mm मेजर किया, मैंने 1 mm, 3 mm, तो ये तीनों क्या है, मेजर्ड वैल्यू। अब सच्चाई ये है कि इस धागे की विड्थ मोटाई, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, इसकी क्या किसी की भी नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, तो हम क्या करते हैं ये तीनों वैल्यूज का एवरेज निकाल लेते हैं, इस जगह निकाल सकते हैं, वैसे हर जगह एवरेज अच्छी चीज नहीं है, एक एवरेज, अब जैसे कभी ठीक है ना, एक एवरेज पता, ये तो हम क्या करते हैं कि हम एक्स बार जानते हो ना कैसे निकलता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, इन तीनों वृत्त को एवरेज निकालने जा रहा हूं मैं, तो 2 + 1 + 3/3 तीन कितना आ गया 2 mm। तो आपने जितनी बार भी मेजरमेंट किया है, जितनी बार भी मेजरमेंट किया है उनका एवरेज निकाल लो, वो जो एवरेज आएगा आपको उसे एक्चुअल वैल्यू जैसी इज्जत देनी है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये, लेकिन इसी को एक्चुअल वैल्यू की इज्जत देनी है। एक्चुअल वैल्यू की जगह ट्रू वैल्यू भी वर्ड यूज होता है, ट्रू वैल्यू। तो सुनिए बेटा, जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या, इफ एक्स वन, अच्छा नोट्स में सब तमीज से लिख रहा है, नोट्स में सब तमीज से लिख रहा है, इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स टेन आर द मेजर्ड वैल्यूज, देन आपको क्या करना है इन सभी मेजर्ड वैल्यूज का, चलिए मैंने अपने एग्जांपल में तीन मेजर्ड वैल्यूज लिए, तीन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, हो सकता है किसी के मन में 10 हो 20 हो कि मैं 20 बार मेजर करूंगा, ठीक है, अपॉन एन, यदि इन सभी वैल्यूज का एवरेज निकाल दू ये, तो ये क्या चीज है, मीन वैल्यू, इसी मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू जैसी इज्जत देनी है। ये क्या चीज है बेटा, ट्रू वैल्यू, इज्जत देनी है, एक्चुअल वैल्यू इसी को मानना है आपको, या यूं कहिए बेस्ट मेजर्ड वैल्यू। आप किसी भी मेजरमेंट को करिए, कई बार करिए, 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार करोगे उतना एक्यूरेसी के करीब होगे। तो पहले बताइए ये बात समझ में आ गई कि एक्चुअल वैल्यू कोई होती नहीं है। अब ऐसे आप आइडियल गैस पढ़ते हो ना,
आइडियल गैस होती तो नहीं है ना, लेकिन आइडियल इक्वेशन पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, ताकि हमारे पास जो रियल गैसेस हैं उनका बिहेवियर कुछ कुछ तो आइडिया लग जाए ना, कुछ कुछ तो पता चल जाए ना। अच्छा पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको एक फिजिक्स में एक चीज बताता हूं, अच्छा लगेगा। हम 9.8 को 10 लिखने लिख लेते हैं या नहीं लिख लेते हैं बताओ, अपनी सुविधा के लिए जी की वैल्यू 9.8 को 10 ले लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 की जगह 22/7 ले लेते हैं, 3.14 की जगह 22/7 ले लेते हैं, है ना, ये मतलब एक्चुअली काफी लंबी। तो जब हम ये काम कर सकते हैं तो हम लगभग ये भी काम कर लेते हैं। अब आपको इसमें एक बात बताता हूं, बताइए आपको एक चीज फिजिक्स का चंट बना सीखना है, आपको चंट और चालाकी सीखनी है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो आम जिंदगी ये कहती है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, कब, जब ये 90 डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री होगा तब हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, ये है आम जिंदगी। लेकिन जो मेंटोस जिंदगी है वो क्या कहती है, साला यदि ये एंगल 90 की बजाय 91 हो जाए तो कौन सा पहाड़ आ जाएगा, बताना, यदि ये एंगल 90 की जगह 91 है सपोज करो, थोड़ा ये 91 डिग्री है, तो पता है फिजिक्स क्या, ये चंट बना और ये चालाकियां सीखिए, फिजिक्स इतनी चालाक है वो तो यहां पे भी कोई बात नहीं, चल हम तो यूज कर रहे हैं। नॉर्मल जिंदगी कहती है कि थ्योरम केवल 90 डिग्री के लिए, फिजिक्स क्या कहती है, 90 के आसपास यूज कर लेंगे। जब हम 9.8 को 10 मान सकते हैं तो क्या हम इस रिजल्ट को यहां नहीं यूज कर सकते, ये बात भेजे में आई या नहीं आई कि फिजिक्स, हाँ 91 92 थोड़ा बहुत एंगल में फर्क आ जाए तो टेंशन मत लो, अपना काम बढ़ाओ आगे, अपना काम आगे बढ़ाओ। ये बात ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स इतना तो चालाकी चला देगी, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आओ। तो अब देखिए, तो हमारे पास कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन जो भी मेजर्ड वैल्यूज हैं उन्हीं का एवरेज निकाल दो, उसी कोई एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू की इज्जत दे दीजिए। जल्दी बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया नहीं आया, एक जल्दी से हाँ टाइप कर दो बेटा, जल्दी से एक हाँ टाइप कर दो कि यहां तक, हाँ भाई समझ में आ गया, हाँ जी, इतनी देर बेटा मुझे मौका मिल जाता है पानी पीने का। अंशिका अभी आप 11 में घुसे हो, घबराओ मत, ये सब वैलिडिटी बता रहा हूं मैं, वही पढ़ा रहा हूं जो नंबर दिलाएंगे आपको, नंबर ही दिलाएंगे। चलिए अब मुद्दा ये हो गया, मैंने आपको क्या बताया था कि इस कमरे की लेंथ मेजर करो, तो आप 11 में आ गए कि 8 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर, यानी ये वाला पार्ट तो आपने मेजर कर लिया। पता है इस कमरे की लेंथ इतना हिस्सा लिखने के लिए आपने कम से कम लेंथ को 3-4 बार मेजर किया होगा, उसका एवरेज आया होगा 8 मीटर, ये वाला हिस्सा तो कैलकुलेट हो गया। अब मुद्दा आता है कि ये वाला हिस्सा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये वाला हिस्सा प्लस माइनस के साथ कैसे अटैच किया जाता है। अच्छा प्लस माइनस को लिख लो, चाहे माइनस पहले लिख लो प्लस पहले लिख लो, प्लस माइनस का मतलब होता है कि हम दोनों पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं कि गलती ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है। चलो अब आ जाइए आगे का पार्ट, आपने एक्चुअल वैल्यू निकाल ली, एक्चुअल वैल्यू नहीं है पर एक्चुअल वैल्यू जैसी इज्जत देगी हमें से। अब इसके, अब जब आप इस रिजल्ट को रिपोर्ट करोगे कि भैया मैंने वायर की, ये जो वायर था इसी वायर को लेते, इसकी विड्थ निकाली तो इसकी विड्थ 2 mm थी, ये तो 10th वाली जिंदगी है, 11th वाला कहेगा 2 mm प्लस माइनस कुछ, बोलो कुछ सही है कि नहीं, कुछ तो होगी। अब इस कुछ को कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, ये कुछ कितना फिट किया जाएगा वो, तो चलिए सीखते हैं। आप क्या करिए, आप क्या करिए, पहले सबसे पहले एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट निकालिए, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट क्या मतलब, एरर 2-3 बार पढ़ो इस डायलॉग को, इस डायलॉग को 2-3 बार, एरर मैं थोड़ा छोटा लिखा है, हो सकता है कैमरे तक नहीं जा पा रहा हूं लेकिन मैं पढ़ देता हूं, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, ये क्या है फर्स्ट मेजरमेंट, ये क्या है सेकंड मेजरमेंट, थर्ड मेजरमेंट, टेंथ मेजरमेंट। अब मुझे केवल ये निकालना है कि मेरे पहली बार में कितनी गलती हो गई, जब मैं
एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो बताइए कैसे निकलेगा, कैसे निकालोगे? ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या लिखूं देखो, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ए माने एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू, अब आपके, अब बताइए आपके लिए एक्चुअल वैल्यू कौन हो गई? ये। अब आपके लिए यही एक्चुअल वैल्यू है। कभी कोई बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो ये कहते हैं आज से मैं ही तुम्हारा माँ बाप हूं, मैं ही तुम्हारा है ना गार्जियन हूं। अब यही है भैया एक्चुअल वैल्यू जो है, मैं यू एक्चुअल। तो बेटा मेरे को, मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, लेकिन बेटा पूरा शब्द सुनिए, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो फर्स्ट मेजरमेंट की वैल्यू ये थी। जल्दी बोलो, ये समझ में आया है नहीं आया? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये क्या चीज आपने निकाली? पहली बार जो आपका मेजरमेंट था उसमें जो भी गलती होगी वो निकल जाएगी। और बिलीव मी, मैं अभी यहाँ एग्जाम्पल परफॉर्म करके बताऊंगा ना, एग्जाम्पल परफॉर्म करके बताऊंगा तो यहाँ और अच्छे से क्लिक करेगा। अब हमारी फिजिक्स में जब कोई चीज डिफरेंस निकाली जाती है तो उसको शॉर्ट में डेल्टा एक्स लिख देते, डेल्टा एक्स। ये सिंबल फिजिक्स में डेल्टा का मतलब डिफरेंस के लिए होता है। तो जब कोई दो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही होती है ना, तो उसे शॉर्ट में, अभी तो बहुत कुछ सीखोगे, जैसे सपोज करो वी टू माइनस वी वन हो तो आप उसको शॉर्ट में डेल्टा वी लिख दोगे। वक्त आने पे ये सिंबल सिखाऊंगा डिटेल में, अभी तो बस ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। यदि मान लो कहीं पर एक्स टू माइनस एक्स वन है तो उसे डेल्टा एक्स लिख देते शॉर्ट में। कहीं पर मान लो पी टू माइनस पी वन है तो शॉर्ट में डेल्टा पी लिख देंगे, है ना, जब वही दो वैल्यूज घट रही होती है। तो एक्स की एक्चुअल वैल्यू में से एक्स की मेजर वैल्यू घट रही है तो इसे डेल्टा एक्स लिखेंगे। अब सुनो अगली लाइन, एरर इन सेकंड मेजरमेंट। बताइए एरर इन सेकंड मेजरमेंट, इस वाले मेजरमेंट में तो यही फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये रही, लेकिन अब मेजर वैल्यू कौन सी है? ये। अब मेजर वैल्यू ये है क्योंकि आपकी लाइन पढ़िए, एरर इन सेकंड मेजरमेंट। जल्दी बोलो ये समझ में आ गई अगली लाइन या नहीं आ गई? जल्दी बोलो एरर समझ में आ गई या नहीं आ गई? अरे बोलो। अब बताइए इसके लिए क्या सिंबल यूज करूंगा? भैया डेल्टा एक्स। लेकिन क्योंकि ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स अलग अलग आ सकते हैं, तो बेटा जब क्लास में दो अभिषेक होते हैं तो अभिषेक वन अभिषेक टू कर देते हैं। तो भैया ये डेल्टा एक्स वन, ये डेल्टा एक्स टू। ऐसे ही एरर इन थर्ड मेजरमेंट निकालना है, तीसरा मेजरमेंट जो यहां पे होगा एक्स थ्री। तो क्या करना है? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, डेल्टा एक्स थ्री। और लास्ट में सिमिलरली एरर इन, बीच में डॉट डॉट कर दिया, फोर्थ फिफ्थ जितनी बार भी लोगे सबसे लास्ट में आएगा एरर इन nth मेजरमेंट। तो एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटानी है, एक्स रहने बताइए, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू डेल्टा एक्स फोर। जल्दी बोलो ओके हुआ या नहीं हुआ ये? जल्दी बोलो ओके हुआ या नहीं हुआ? अब इसको यहां परफॉर्म कर रहा हूं, मेरी जीत तब होगी जब आप इसको, चलिए ये मैं यहां फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं या इसको यूज कर रहा हूं। अब मैंने बोला एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एरर इन फर्स्ट, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं बेटा क्योंकि मुझे दोनों चीजें से, अच्छा इसको शॉर्ट में मेजरमेंट को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया मेजरमेंट। आप इसे कैसे पढ़ोगे? मेजरमेंट। क्या करना है बेटा मुझे, क्या करना है बेटा मुझे? करना है एक्स बार में से एक्स वन घटाना है। बोलो यही तो सिखाया है मैंने, मैंने यही तो सिखाया है कि एक्स बार में से एक्स वन घटाना है। तो एक्चुअल वैल्यू में से ये घटाना है। इसको सिंबलाइज कैसे लिखेंगे? डेल्टा एक्स वन। क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स वन, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बताइए एक्चुअल वैल्यू कितनी है? टू, सॉरी एक्चुअल वैल्यू ये है, ये 2 mm, और मेजर्ड वैल्यू कितनी थी पहली? 2 mm, यानी 0। इसका मतलब ये कि पहले मेजरमेंट में 0 mm। अगली है एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एरर इन सेकंड मेजरमेंट, उसको लिखोगे डेल्टा एक्स टू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बताइए ये कितना आएगा आंसर?
एक्चुअल वैल्यू है आपकी 2 और ऑब्जर्व वैल्यू है 1, तो ये आंसर आएगा 1 mm, ठीक है। और तीसरा है एरर इन थर्ड मेजरमेंट, सिंबल आएगा डेल्टा x3, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 2 - 3 -1 mm, -1 mm। क्या ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करना आ रहा है ना, ये यहां का फॉर्मूला यहां अप्लाई करना आया है नहीं आया, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। थोड़ा मैं बार बार टाइप करवा रहा हूं, वो इसलिए करवा रहा हूं कि आज आपकी और मेरी मेहनत का काम है, ये मेहनत तो लगेगी आज। अब देखिए सुनिए, ये भी एरर। रिद्धि बहन मुझे पढ़ा लेने दे। देखो या तो आप आगे पढ़ के आए हो रिद्धि, तभी आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है। रिद्धि आप या तो कहीं पढ़ चुके हो, पढ़ रहे हो घर पे सेल्फ या कहीं, इसलिए आपको इतनी बारीकी पता है। मैं आ रहा हूं ना इस टॉपिक पे, आ रहा हूं। अच्छा मैंने आपसे क्या बोला हुआ है कि जब मेरी क्लास खत्म हो जाए आपको पूरा हक मिलेगा माइक ऑन करके अपनी बातें करने का। इस क्लास में सबको बराबर हक है कि मेरी जब क्लास खत्म हो आप बकायदा माइक ऑन करके अपनी बातें पूछ सकते हो। चलिए अब आपके 3 मेजरमेंट है, तीनों में आपने इंडिविजुअल एरर निकाल दी। पर याद करो आज की क्लास स्टार्ट में क्या बताया था कि 400 लोगों की दावत है ±50, आप एक ही वैल्यू तो रिपोर्ट करते हो। ये 50 क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये क्या चीज है भैया, इतनी एरर की गुंजाइश है। या कमरे की लेंथ 8 ±0.1 meter थी, अब इसकी जगह क्या लिखूं, 0 लिखूं, 1 लिखूं, -1 लिखूं, तो हम क्या करते हैं इनका भी एवरेज निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एवरेज। लड़ाई बंद करो, चलो लड़ाई बंद करो, एवरेज निकालो, चलो अपना, तू भी एरर है। तो सोच के देखो, इधर देखिए, अब आप तीसरी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। देखो सिंबल, ये शब्द क्या है, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एरर इन थर्ड मेजरमेंट अपॉन 3। सोचो ये था x1 x2 x3 अपॉन 3 था, ये डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3, डेल्टा बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन इसको, जितनी भी एरर थी उनका 3। और जो भी आंसर निकल के आएगा, जैसे x का एवरेज निकाला तो x बार, और डेल्टा का एवरेज निकाला तो डेल्टा x बार। पहले सीखते चले जाओ, सिंबल भी सीखते चले जाओ, x1 x2 x3 का एवरेज x पर बार, डेल्टा x का एवरेज तो डेल्टा x बार। तो अब आप बताइए ये वैल्यू क्या आएगी, बोलो आप, अब आएगी ये वैल्यू, ये तो 0 है, चेक करो, ये 1 है और ये -1 है, और ये तो 0 आ रही है, ये तो 0 है। अब आपको सुनने में अजीब लगे ना लगे, लेकिन ये अजीब ही हो गया, क्योंकि अब आप जब रिजल्ट रिपोर्ट करोगे तो रिजल्ट क्या रिपोर्ट करोगे कि हमने 2 mm रिजल्ट निकाला है और प्लस माइनस उसमें 0 mm की गलती है, क्योंकि 0 ही तो आ रहा है। आप तो भगवान से भी बड़े हो गए, आप तो भगवान को भी चैलेंज कर रहे हो, हमने 2 mm माना है, वो निकाला है, मेजर किया है इंची टेप लगा के, और उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं, देखो 0 mm आ रहा है, 0 mm आ रहा है। हम तो भगवान से भी बड़े हो गए, चैलेंज हो गया। तो क्या ये वैल्यू, ईमानदारी से बताना, यदि आपको फिजिक्स कल से समझ में आ रही है तो क्या ये वैल्यू पच रही है आपको, इस तरीके से रिजल्ट किसी को पेश करना कि भैया इस वायर की विड्थ 2 mm ±0 एरर, कोई एरर नहीं है, क्या ये वाकई आपको पच रहा है? नहीं पचना चाहिए, नहीं पच रहा तो इनो पी लो, हाजमोला खा लो, तब भी नहीं पचेगा। ये गलती कहां हुई, ये हुआ क्या? तो चलिए अब आपको बताता हूं, यहां आपको दिख रहा है मैंने एक जगह खाली छोड़ी हुई है। फिजिक्स में एक डायलॉग सुनिए, गलती गलती होती है, गलती गलती होती है, इस डायलॉग का मतलब क्या है? यदि एक बार होता, एक बंदा बैंक से, बैंक मतलब गड्डी गिनते है ना, अब मैं तो बेटा गरीब आदमी, मैं तो गड्डी कभी मौका ही नहीं मिला, दो चार नहीं गड्डी गिनते हैं, तो 100-100 के नोटों का बंडल बनाया जाता है, 100-100 के मतलब जो नंबर ऑफ नोट्स होते हैं वो 100 होते हैं। अब आप बताना,
एक कैशियर है या कोई बंदा है जो बैंक में काम कर रहा है, नोटों की गड्डी बना बना के पैक कर रहा है, बताना। उसने एक नोट की गड्डी बनाई, पैक कर दी, लेकिन बाई चांस उसमें 101 नोट गिन गए, 101 नोट का बंडल पैक होके चला गया। कितने बोला मैंने? 101। पता है ये गलती है या नहीं गलती? गिनने थे उसे 100, लेकिन बेटा ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है ये। उसने पैक कर दिया 101 नोट किए, अगले नोटों की गलती, अगले नोटों की गड्डी 100 नोट पैक कर दिए, अगले नोटों की गड्डी बनाई 100 नोट, फिर अचानक एक नोट की गड्डी बनाई उसमें 99 पैक हो गए। अब आप बताना, कॉर्पोरेशन जगत में, इस दुनिया में जहां वो बैंक, सोचो प्राइवेट बैंक है, एक बार उसने एक नोट में 101 नोट गिने और एक में 99 नोट गिन दिए, गड्डी रख गई, तो एवरेज एवरेजन उससे 0 गलती हुई या 2 बार गलती हो गई? अब बताना, एवरेजन उससे 0 गलती हुई या 2 बार गलती हो चुकी है उससे? शिवेश को लगता है कि उससे कोई गलती नहीं हुई है। वाह भाई, क्या अप्रोच है। ओहो, इच्छा को भी लगता है। एक बात बताना, इच्छा एक बात बताना, या जिन्होंने जो नोटों की गड्डी पैक होके रख दी है, वो 101 नोट का गड्डी वो किसी और ग्राहक के पास चला गई और 99 वाली नोट किसी और ग्राहक के पास चली गई, गड्डी तो कहीं भी जा सकती है ना भाई, बैंक में पैक हो रही है, अगले दिन कोई और ग्राहक ले रहा है। एक ग्राहक के पास वो बंडल 101 का पहुंच गया, वो तो बहुत खुश, लेकिन जिसपे 99 पहुंचा वो तो यू कहेगा तुमने एक नोट कम दिया है मुझे। तो गलती गलती होती है, उसने 2 गलतियां की हैं ऐसा नहीं, यानी गलती के केस में ये नहीं किया जा सकता। गलती के केस में एक नोट, एक गड्डी बनाने में उसने 101 नोट गिन दिए और एक गड्डी बनाने में 99 गिन दिए, तो एवरेजन कोई गलती नहीं हो रही। तो हर जगह एवरेज को नहीं घुसाया जा सकता, ठीक है, यहां एवरेज एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये तो बदतमीजी हो गई ना एवरेज में। अच्छा मुझे एक बार बताओ, मेरा एक पैर गरम गरम तवे पर है, शूज नहीं पहन रखे, मेरा एक पैर गरम तवे पर और एक पैर बर्फ की सिल्ली पर है, तो एवरेजन में आराम ही तो होगा, बताओ, एवरेजन में मजे में होना चाहिए ना, जल्दी बताइए, एवरेज में मजे में ही तो होगा, मुझे उछलना नहीं चाहिए। अब भी कहोगे सर क्यों उछल रहे हो, एवरेजन तो मजे में हो ना। अब आप बताओ, क्या यहां एवरेज का कॉन्सेप्ट वैलिड लग रहा है कि मेरा एक पैर बर्फ की सिल्ली पर है, एक पैर मेरा गर्म तवे पर है, तो एवरेजन में आराम में होऊंगा? बड़े ये मीटिंग को लेफ्ट करते हैं, ये जाने वाली है, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, मीटिंग स्टार्ट। और क्योंकि मैं कल कई बार भूल गया बेटा अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करना। हाँ चलिए, तो देखिए बेटा, तो जैसे, अरे थैंक यू बेटा रिद्धि, ओ थैंक यू रिद्धि ने याद दिलाया सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, थैंक यू, यही चाहता हूं मैं, आज मुझे याद रही मैंने कर लिया। हाँ लेकिन आज याद रही कल भूल सकता हूँ ना, यही रखना। तो अब देखिए, मैं आपको बता रहा था साला एवरेज का बंदा हर जगह नहीं घुसा सकते। अच्छा मेरा दूसरा माइक ऑन है, सॉरी 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 सॉरी, ओ सॉरी, अभी देखो, अभी ठीक है, जल्दी बोलो, अभी ठीक है, अब तो इको नहीं आ रही। हाँ चलो, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एवरेज का फंडा आप हर जगह नहीं घुसा सकते कि आप। अच्छा एक बात बताओ, एक गांव वालों को एक नदी पार करनी थी, सपोज करो बाढ़ आ गई है, ज्यादा भी नहीं आई, हैवीली बाढ़ नहीं आई है, ठीक है, लेकिन पानी काफी ऊंचा आ गया है, सपोज करो पानी की हाइट है 140 सेंटीमीटर तक आ गया है, 140 सेंटीमीटर तक की पानी आ गया। अब गांव का जो मुखिया था वो देखता है कि गांव की नदी और पानी भरे, उससे पहले हम नदी को पार कर देते हैं, तो उसने अब गांव में तो बच्चे भी है, बूढ़े भी हैं, लंबे भी हैं, तो गांव के सभी बंदों की हाइट निकलवाई, उनका एवरेज आ रहा है, सुनो पानी है 140 सेंटीमीटर तक और सबकी हाइट निकलवाई, वो हाइट आ रही है एवरेज 142 सेंटीमीटर, तो क्या गांव के सभी लोग नदी पार कर देंगे, ये बताओ, क्या गांव के, क्योंकि 142 सेंटीमीटर आ रहा है एवरेज, अब आप सोचो क्या गांव के सभी लोग नदी पार कर पाएंगे? क्यों, 142 सेंटीमीटर तो 140 से बड़ा होता है, लेकिन आप जानते हो सर इस 142 में 160 भी आया होगा एवरेज निकालने में, और बच्चे भी आए होंगे जिन बेचारों की 80-90 सेंटीमीटर हाइट होगी। तो वही चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि एवरेज हर जगह नहीं पच सकता, जैसे यहां नहीं पच रहा, क्योंकि फिजिक्स में, आप वापस उसी डायलॉग पे आ रहा हूं, गलती गलती होती है, गलती गलती होती है, चाहे आपने नोट ज्यादा गिन दिए चाहे नोट कम गिन दिए,
चाहे आपने लेंथ को ज्यादा गिन दिया चाहे लेंथ को कम गिन दिया, दोनों गलती बराबर। सुनिए, यदि कोई बंदा किसी लेंथ मेजर करने में 0.1 ज्यादा गिन गया और कोई 0.1 कम गिन गया, तो दोनों बराबर अपराधी है या अलग अलग अपराधी है ये बताओ। एक ने किसी लेंथ को मेजर करने में 0.1 ज्यादा मेजर कर ली और एक ने 0.1 कम मेजर करी, तो दोनों बराबर अपराधी है कि नहीं? दोनों को एक नजर से देखा जाना चाहिए कि नहीं? दोनों को एक नजर से देखा जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो अब सुनिए, इसीलिए फिजिक्स में एरर नहीं पढ़ी जाती, एब्सोल्यूट एरर पढ़ी जाती है। ये जो शब्द था वो मैंने एब्सोल्यूट के लिए छोड़ रखा था, एरर नहीं पढ़ी जाती, एब्सोल्यूट एरर पढ़ी जाती है। ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये इलू इलू क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है। जो आपने एरर निकाली है वहां दो डंडे निकाल दो, जो एरर निकाली है वहां दो डंडे लगा दो। दो डंडे का मतलब जो भी वैल्यू आई है आपको उसे पॉजिटिव ही रहने देना है। मतलब फिजिक्स में एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर। मैंने यहां भी मतलब यहां समझाता हूं, एब्सोल्यूट एरर यानी एरर एब्सोल्यूट ही निकाली जाएगी, एरर एब्सोल्यूट ही निकाली जाएगी। एब्सोल्यूट का मतलब बिना किसी साइन के, बिना किसी साइन के, उसका सिर्फ चेहरा देखा जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट यहां दो लगा दीजिए, बताओ ये आंसर आएगा जीरो। एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, तो बेटा ये आंसर 1 mm आएगा। और एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, बताइए ये आंसर भी अब 1 mm आएगा ना, ये आंसर भी 1 mm आएगा नहीं आएगा? गलती गलती होती है, ठीक है, गलती गलती होती है, चाहे उसने ज्यादा मेजर करी चाहे कम मेजर करी, गुंजाइश दोनों है लेकिन गलती गलती होती है, दोनों बराबर अपराधी है। तो इसलिए फिजिक्स में एरर नहीं पढ़ते, एब्सोल्यूट एरर पढ़ते हैं। अब बताइए ये समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए जब आप एवरेज निकालोगे 0.1 1/3 यानी 0.67, तो अब जो आप फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट जाएगा, ये आपकी मेहनत थी। और मैंने आज बैच की शुरुआत में क्या बोला कि 10th का बंदा अलग तरीके से रिजल्ट रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप 11th में आ गए हो। अब आपको बताइए ये लेंथ कैसे रिपोर्ट करनी है, अपनी मेहनत की रिपोर्टिंग कैसे करनी है। आप प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट बाद में सबमिट करते हो, आपने ये प्रोजेक्ट किया, आपने ये मेहनत करी, तो आप कहोगे कि भैया मेरी जो एक्स थी, एक्स मेरी एक्स नहीं, मेरी तो कोई एक्स थी नहीं, मेरी तो थी नहीं, हम तो साइंस के स्टूडेंट है, मैं तो बहुत अच्छा साइंस का स्टूडेंट था, हर चीज इमेजिन करता था, माना कि वो मेरी है, मैं हर चीज इमेजिन करता था, तो मैंने तो यहां भी इमेजिन कर लिया, माना वो मेरी है, तो वो एक्स नहीं। तो अब इस एक्स की वैल्यू को रिपोर्ट किया जाएगा 2 mm प्लस माइनस 0.67 mm। ये है हमारी मेहनत कि इतना हिस्सा इस कैलकुलेशन से निकाला जाता है, ये वाला हिस्सा इस कैलकुलेशन से निकाला जाता है, और इतना हिस्सा इस कैलकुलेशन से निकाला जाता है। ओके 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 बोलो, अरे बोलो यार ये ऑफ। हाँ, अब आपको एक चीज और सोचनी है, यदि आप सोच पाओ तो प्लीज जवाब दीजिएगा, सोच पाओ तो प्लीज जवाब। एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूं कि एरर गलती गलती होती है, गलती नेगेटिव नहीं होती है, फिर जब ये वैल्यू निकली तो ये मैंने प्लस माइनस के साथ क्यों अटैच करी? किसी के पास जवाब हो तो हाँ टाइप करे, टाइप, क्योंकि बाकी तो लंबा टाइप करना पड़ेगा, प्लस माइनस के साथ क्यों अटैच की? चलो मैं बताता हूं, क्योंकि गलती जब हम करते हैं, गलती जब होते हैं, इस बात की गारंटी नहीं होती कि हमसे हमेशा बढ़ के गलती होगी, हमसे घटके भी हो सकती है, तो ये प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी के लिए लगाए जाते हैं। क्योंकि जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने सारी एरर को एब्सोल्यूट कर दिया और उनका एवरेज निकाला, इन दौरान कुछ एरर बढ़ के हो रही थी, कुछ घटके हो रही थी, कुछ बढ़ के हो रही थी, कुछ घटके, हमने तो उनको एब्सोल्यूट कर दिया था। इसलिए जब फाइनल रिजल्ट में अटैच करोगे तो आप ये लिखोगे कि भैया रिजल्ट ऊपर नीचे कुछ भी आ सकता है। बोलो फिजिक्स दरबार की जय। ये समझ में आया है या नहीं? बोलो ये समझ में आया है या नहीं आया? ओके जय। तो फिर मैं आपसे आगे क्वेश्चन पूछ सकता हूं ना, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट्स में बेटा बहुत शानदार लिखा हुआ है, नोट्स अपने बनाइएगा, अपने ही बनाइएगा और वहां से मदद लीजिएगा। चलिए अब एक चीज और बताऊं मैं,
एक्चुअली मुझे आज ये तीन नहीं, मुझे पांच फॉर्मूले पढ़ाने थे, पांच, तीन तो हो गए, दो और रह गए, तो थोड़ा सा और सब्र कर लो। तो चलिए फिलहाल ये मिटा देता हूं राइट हैंड साइड। तो गलती गलती होती है, गलती की सजा बराबर मिलेगी, चाहे उसने ज्यादा भरने में कर दिया, चाहे बेटा नमक ज्यादा डल जाए चाहे नमक कम डल जाए, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सब्जियों में स्वाद बेकार आएगा, टेस्टी सब्जियां नहीं कही जाएंगी, गलती। लेकिन वो बात अलग है, ये चलो मत करना कि नमक में तो ऊपर से डाल सकते हैं, वो फिट नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अब मुझे दो फॉर्मूलों के लिए जगह और रखनी है, ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हो गए देखो यहाँ पे, चौथा और पांचवा। अब मैं एग्जांपल इसके नीचे, तो चलिए सच्चाई है कि हमारे पास जितनी छोटी गलती होगी रिजल्ट उतना अच्छा माना जाता है कि यार बंदे ने मेहनत। अच्छा एक बात बताओ, एक बंदा बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, एक छोटी छोटी मेहनत कर रहा है, तो जिसमें गलतियां कम कर रहा है उसको शाबाशी देते हैं, उसके इंस्टेंट को शाबाशी देते हैं। तो मैं आपके सामने दो रिजल्ट पेश कर रहा हूं, बताइए। एक डंडी थी मैंने तोड़ दी, अब पता नहीं उसके दो टुकड़े हो गए, एक से कहा तू लेंथ मेजर कर, तो एक ने लेंथ मेजर करी, लेंथ ठीक है L1 इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.4 मीटर। अच्छा मैं यहां लिखने का एक तरीका बताता हूं, देखो यदि मैंने 8 प्लस माइनस 0.4 और थोड़ा सा स्पेस देकर मीटर लिखा है, तो ये मीटर दोनों के लिए है बेटा, याद रखिएगा 8 मीटर 0.4 मीटर। यदि मैंने मीटर एक ही जगह लिखा है, और बाय चांस जैसे कोई और रैंडम एग्जांपल है, मैं कोई और लेंथ लिख रहा हूं 4 मीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, जब दोनों की यूनिट अलग अलग होती है तब फिर मुझे यहां भी यूनिट लिखनी पड़ती है और यहां भी यूनिट लिखनी पड़ती है। ये समझ में आ गया है नहीं आ गया, ये दोनों चीजें समझ में आई नहीं आ गई, सिंटेक्स ये फिजिक्स के अपने सिंटेक्स है। यदि इन दोनों की यूनिट अलग अलग है तो दोनों की यूनिट अलग अलग लिखिए, लेकिन यदि दोनों ही मीटर में तो क्यों यार आज के जमाने में यहां बनिया गिरी भी सीखो, एक बार में मीटर में काम चला लो। तो अब दो, एक डंडी थी उसके दो हिस्से किए, रामलाल ने मेजर करी 8 प्लस माइनस 0.4 मीटर, और जो दूसरी डंडी का हिस्सा था श्यामलाल ने मेजर किया, उसकी लेंथ ये थी 4 प्लस माइनस 0.3 मीटर, ठीक है। तो बताइए ये रामलाल का मेजरमेंट है, श्यामलाल का मेजरमेंट है, रामलाल के हिस्से में ये डंडी आई, श्यामलाल के हिस्से में डंडी आई, उसने मेजरमेंट अपनी अपनी डंडियों की लेंथ बताई, तो किसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है, ए का या बी का? आप रामलाल श्यामलाल नहीं लिखो ना, ए का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है या बी का? ए का या बी का? हाँ सोच के बताइए भाई, एक ने लेंथ मेजर करी तो उसने ये मेजर करी, तो ए का रिजल्ट अच्छा है या बी का? कार्तिकेय और नंदिनी ने टाइप किया है बस, इसमें क्या सोच रहे हो बेटा, जो मन में आ रहा है, जो भी दिमाग में पहली चीज आई वो टाइप कर दो, बी शुभम बी, नंदिनी बी, कार्तिकेय बी, कविशा बी, उत्सव गौतम बी, महक बी, ठीक है ठीक। अरे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अच्छा मैं एक काम करता हूं, शायद आप बता नहीं पाए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक टेस्ट हुआ, अब टेस्ट के बाद बच्चे अपने अपने गप मारते ना, मैं इतना हूं पढ़ने में होशियार, ये ए और बी, ए के 20 नंबर आए और इसके 50 नंबर आए, कौन होशियार है? ए के टेस्ट में भी मतलब ए कह रहे मेरे 20 नंबर है, बी कह रहे मेरे 10, कौन होशियार है ये बताओ, ए और बी कौन होशियार है? ए क्या है 20 नंबर, बी क्या है 50 नंबर, ठीक है। तो आप लोगों की नजर में बी होशियार है। अब ए के आए 20 में से, इसके आए 100 में से, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये क्या हुआ, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ओ भाई अब कौन होशियार है, अब कौन होशियार हो गया अचानक से, क्यों से ए होशियार हो गया, क्यों आप तो बी बोल रहे थे। तो यही गलती आपसे यहां हुई, आपने क्या कहा सुनिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया है गलती जितनी कम हो उतना अच्छा रिजल्ट होता है, ये बिल्कुल सही बात है। आपने देखा इसने मात्र 0.3 की गलती की है, इसने सर ज्यादा कर दिए, लेकिन मगर इसको जिम्मेदारी भी बड़ी मिली थी, इसको जिम्मेदारी छोटी। सोचो जो 4 मीटर को मेजर करने में 0.3 मीटर की गलती कर सकता है, जो 4 मीटर लेंथ मेजर करने में
0.3 मीटर की गलती कर सकता है, तो वो जो 8 मीटर लेंथ मेजर करने को मिलती तो वो 0.6 करता ही नहीं करता। आप ऐसे समझो, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बाइक, या एक मिनट, 4 मीटर कोई बाइक चली, उसने 0.3 लीटर का पेट्रोल भूक दिया, और कोई 8 मीटर बाइक चली, उसने 0.4 लीटर का पेट्रोल भूक दिया। तो आप ये थोड़ी नहीं कहोगे उसने पेट्रोल ज्यादा फूका है तो इसका एवरेज बेकार है। बुद्धि लगाओ मैं क्या कह रहा हूं, बुद्धि लगाइए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि इसने पेट्रोल ज्यादा फूका है तो ये बेकार है। आप बताइए, पेट्रोल ज्यादा फूका है तो बेकार है? नहीं, ये गाड़ी चली भी तो ज्यादा है, 8 मीटर, सोचो जो बाइक ज्यादा चली। तो फिर आप क्या करते हो? वही करते हो जो बच्चे के साथ किया था, केवल 20 और 50 से नहीं पता चलता कितने में से। तो एक वर्ड है रिलेटिव एरर, रिलेटिव वो नहीं जो आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप में एरर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेटिव वो भी बैठे थे, उनके सपने टूट गए बिचारों के, आपका रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि हम आपकी लें ढंग से, इंतजार कर रहे थे, हाँ भाई चिन्ह रिजल्ट आ गया तेरा, लेकिन बेचारे आपने उनके सारे सपने तोड़ दिए मोदी जी ने, है नहीं? वो एरर नहीं है, ये रिलेटिव एरर जिसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर बताता हूं कैसे निकालते हैं ये। अच्छा ये फील हो गया होगा जब मैं इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल ढूंढ के लाता हूं आपके लिए। ये बताइए अब ए अच्छा है या बी अच्छा है रिजल्ट? अब आपको क्या लगने लगा कि एक ज्यादा मेहनती है या बी ज्यादा मेहनती है? ए ही मेहनती है, उसने मेहनत से रिजल्ट निकाला है। तो ये पता कैसे चलेगा? ये चलता है, सुनिए आर ई लिख देता हूं, वैसे कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है ये, आप मत लिखना आर ई, मैं थोड़ा आरामखोरी का सिंबल, रिलेटिव एरर। ये निकलती है गलती ये, अच्छा हाँ 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 एक मिनट, मैं यहां फॉर्मूला लिखना भूल गया, वहां तो मैंने बता दिया था, ये सारी एरर एब्सोल्यूट निकालो, डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है, अब तो ये सब पॉजिटिव आएंगी, उनका एवरेज निकाल दो, तो ये जो एवरेज आएगा उसका सिंबल ये होगा, और इसे को क्या बोलोगे? कमीन एब्सोल्यूट एरर। कुछ गलत सुना क्या? मैंने बोला मीन एब्सोल्यूट एरर। कुछ मुझे लगता है आपने गलत सुन लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मैं यहां लिखना भूल गया था, वहां तो समझा दिया था, याद करो, ठीक है? चलिए तो अब मैं क्या बता रहा था, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है? मीन एब्सोल्यूट एरर, गलती फाइनल जो गलती थी, अपॉन ये कितने में से कितनी गलती, कितने में से कितनी गलती, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। सोचो ये फॉर्मूला क्या बनाए, मतलब यदि हम यहां इस वाले एग्जांपल में रिलेटिव एरर निकालें, इस वाले एग्जांपल में रिलेटिव एरर निकाले, तो आपके हिसाब से बताइए न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखता हूं आप फॉर्मूला खुद कितना समझते हो, बताइए न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, यदि मैं इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करूं तो बताइए न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आएगी। बेटा शुभम गौर से देखो, गौर से देखो, शुभम दिया बिल्कुल ठीक, ऊपर है मीन एरर, न्यू ओ भूमिका, ओ भाई मारो मुझे, ओ भाई मारो, क्या देखो फॉर्मूला, रिलेटिव एरर, नीचे है एक्चुअल वैल्यू, ये सिंबल किसका है चेक करो, अच्छा मैं सामने से हट रहा हूं, ये देखो ये किसका सिंबल है ना, और ये किसका सिंबल है, मैंने सिर्फ ये पूछा न्यूमरेटर में क्या आएगा, और बेटा बड़ा सिंपल है, कितने में से कितने नंबर आए बच्चे के, तो बताइए न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये वैल्यू 0.4, यही तो है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, यही तो है बेटा, और ये एक्चुअल वैल्यू ये आएगा बेटा, नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, ये फॉर्मूला है, ये उसको प्रयोग है, कितने में से कितनी गलती हुई है, कितने में कितनी गलती हुई है, ये यूज करना है हमको। तो बताइए जब मैं यहां रिलेटिव एरर निकालूंगा, यहां रिलेटिव एरर निकालूंगा, तो बताइए न्यूमरेटर में क्या आएगा, जल्दी बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा, जल्दी बताओ न्यूमरेटर में, यहां आएगा न्यूमरेटर में 0.3, डिनोमिनेटर में आएगा 4, डिनोमिनेटर में आएगा 4, हो गई रिलेटिव एरर। फिर यदि मैं अगला, ये तो क्या परसेंटेज एरर, ये मैंने लिखा परसेंट, बहुत हरामखोरी में PERCAGE स्पेलिंग की वजह परसेंटेज का सिंबल बना दिया, और ये कैसे निकलती है, जो भी आपने रिलेटिव एरर निकाली है ना,
रिलेटिव एरर का दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर निकालिए, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप अपने नंबरों के परसेंटेज निकालते हो। पैनिक मत करना कि मैं आपको नए नए फॉर्मूले दिया जा रहा हूं, आप जो जनरल लाइफ में यूज करते हो बताइए। किसी बच्चे के नंबर 100 में से 30 40 नंबर आए थे, ये तो ज्यादा होगा, 50 में से बोलता हूं, 50 में से 40 नंबर आए हैं, कितने परसेंट नंबर आए हैं जल्दी बताओ, क्या करते हो आप? 50 नंबर के पेपर में उसके 40 नंबर आए हैं, 50 नंबर के पेपर में 40, तो कितने परसेंट आए हैं? तो आप 100 का मल्टीप्लाई और कर देते हो ना, 80%। तो अब पहले रिलेटिव एरर निकाल लो, है ना, रिलेटिव एरर। उसके बाद यदि मैंने रिलेटिव एरर में मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है, तो जो रिलेटिव एरर है 0.4/8, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। परसेंटेज एरर का मतलब रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई, या इस कैलकुलेशन में 100 का। कितना सिंपल है, कितना आ गया बेटा? अच्छा रिद्धि, आपका डाउट क्लियर हो गया या नहीं हो गया? रिद्धि डाउट क्लियर हो गया ना, जो नेगेटिव का आप कह रहे थे, नेगेटिव मैंने भी नहीं आने दिया था, टेंशन मतलब। यहां बताइए रिलेटिव एरर को, इसमें परसेंटेज एरर कितने आएगी? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला जो भी रिलेटिव एरर है उसमें 100 का, 0.3/4×100। तो बताइए ये कितना आएगा? हाँ मैं बता दूंगा क्वेश्चन, ये कितना आएगा? ये आएगा 7.5%। तो देखिए बेटा, कहीं ज्यादा परसेंट अच्छी बात होती है, जैसे नंबरों में ज्यादा परसेंट आए वो अच्छी बात होती है, आपको डिस्काउंट अच्छा परसेंट मिल रहा है किसी सेल में वो अच्छी बात होती है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें परसेंटेज यदि कम आ रहा है तो वो अच्छी बात है। पता है इसका मतलब क्या है? कि इस बंदे के मेजरमेंट में 5% की एरर है, और इसका मतलब यह है कि इस बंदे के मेजरमेंट में 7.5% की एरर है। रिजल्ट नंबर मार्क्स वो अच्छे होते हैं जिनके ज्यादा परसेंटेज आते हैं, लेकिन रिजल्ट मेजरमेंट वो अच्छा होता है जिसमें कम परसेंटेज एरर आती है। अब एक और चीज, रिजल्ट रिपोर्ट करने के दो सिंटेक्स हैं फिजिक्स में, दो ही ग्रामर हैं, दो ही तरीके से, या तो रिजल्ट ऐसे लिखा जाता है, ऐसे पेश किया जाता है, ऐसे कि एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, या तो ये लिखोगे या फिर एक और अंदाज है, रिजल्ट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज कि इस बंदे की लेंथ 8 मीटर। रामलाल का एक कांड चल रहा है यहां, ये रामलाल अपने रिजल्ट को ऐसे की बजाय ऐसे भी पेश कर सकता है कि भैया मैंने 8 मीटर किया है प्लस माइनस 5%। सीख लीजिए तरीका, या तो ये तरीका वैलिड माना जाएगा, ये फिजिक्स की ग्रामर, या फिर ये तरीका वैलिड माना जाएगा। और हाँ, इस वाले में जो यूनिट मैंने लिखाई है वो यहां लिखी है, इसका मतलब कि इस ये मीटर दोनों के लिए है, लेकिन मैंने इसमें यूनिट सिर्फ यहां लिखी है, यहां नहीं लिखी, क्योंकि परसेंटेज एरर की कोई यूनिट नहीं हो सकती। सोचो क्यों? देखो, जो ऊपर होगा वो नीचे होगा, जो ऊपर होगा, जैसे आप लेंथ का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो लेंथ अपॉन लेंथ होगी तो यूनिट कट जाएगी, मास अपॉन मास होगा कट जाएगा, तो इसलिए यहां सिर्फ इसमें यूनिट होती है। तो रिजल्ट या तो इस तरीके से ही रिपोर्ट किया जा सकता है या इस तरीके से। तो बताइए, इसमें भी तो एक ऑप्शन बन गया ना, बताइए श्यामलाल के हिस्से में जो लेंथ आई थी वो क्या कहेगा? मैंने 4 मीटर लेंथ मेजर करी है, लेकिन मेरे में 7.5% एरर की गुंजाइश है, 7.5% मैक्सिमम पॉसिबल एरर। बोलो समझ में आया या नहीं आया सिंटैक्स, जल्दी बोलो, ये सिंटैक्स समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी टाइप किया करो भाई, तो कि मैं आपको समझा पा रहा हूं, अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ में मुझे ये बता दीजिए फाइनली, ए अच्छा है या बी अच्छा, ए का मेजरमेंट अच्छा है या बी का मेजरमेंट अच्छा है आज के सिनारियों में, जो फिजिक्स के सिनारियों में? जी हाँ, ए ही अच्छा है, क्योंकि उसने कम गलती की है, उसकी परसेंटेज एरर कम है, भले ही हम पहली नजर में गलती का शिकार हो गए, जैसे उधर गलती का शिकार हो गए थे। हो जाती है बेटा गलती, हम भी तो गलतियां कर करके बड़े होते हैं बेटा, मैं कौन सा महान हूं, मैंने गलती की होंगी, जब हम पढ़ते थे तो मास्टर हमारी एतजी करता था, ठीक है,
लेकिन आपका नसीब अच्छा है कि आपको इतना हैंडसम गुड लुकिंग स्मार्ट। अच्छा, मेरी स्मार्टनेस से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि इतना स्मार्ट बंदा भी टीचर हो सकता है, क्योंकि टीचर तो ऐसा लगता है ना, चश्मा होगा, मोटा होगा, बड़े बुरा सा। कई बच्चे तो मुझसे स्टार्टिंग में कोचिंग इसलिए नहीं लेते थे कि अबे ये स्मार्ट सा बंदा क्या पढ़ाएगा। चलिए अब इधर देखिए, आगे बढ़ो, होपफुली कि मेरी ये बातें समझ में आ रही, होप कि ये सब समझ में आ गया, मैं मिटा सकता हूं, मिटाऊ ठीक। सुबह की क्लास पता है ना, 9 बजे ये क्या हुआ, यहाँ पे तो सुवेश चला गया, कुछ बच्चे का और हाँ, ये वीडियो भी मैं YouTube पर अपलोड करूंगा, जिसको चाहिए दोबारा देखने के लिए वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, क्योंकि अब मैं वीडियो प्राइवेट डाल रहा हूं, तो ये उसको ही दिखेगी जिसको मैं दिखाना चाहूंगा। इसलिए यदि आपको वीडियोस देखनी है, जिसको देखनी हो, आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, आपका हक है, आपका हक है। तो मुझे बस आपको अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी और आप उसी मेल आईडी से ही लॉग इन करके, जीमेल आईडी, नॉट ईमेल, जीमेल मेल, ठीक है, जीमेल आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे अपनी मेल आईडी डाल देना, तो मैं उस वीडियो में आपकी मेल आईडी जैसे ही एंटर करूंगा, आप उसे कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो, ओके। आपका हक है, इसलिए इसमें शर्माना नहीं, लेकिन ये नहीं बार 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 बार, एक बार में बोलना जो आपको बोलना हो, ठीक है। चलिए, और आज की क्लास का प्लीज रिवाइज करिएगा, और कल इसका सवाल 9 बजे सुबह मिलते हैं, आज के लिए फिर इतना ही छोड़ते हैं। और मेरी यदि चीजें समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, धुआं मचा दो, बाय बेटा। और अब मैं इसको पॉज करता हूं।